तो भाई लोग आज हम लोग बात करेंगे लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों ही मूवी के बारे में एक ही वीडियो में। तो टेंशन मत लो, इस चैनल पे आप लोग को ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा क्योंकि हेट करने के मुझे फिलहाल कोई पैसे नहीं दे रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रक्षाबंधन मूवी की, जिसकी ओवरऑल लेंथ ऑलमोस्ट 2 घंटे की है। मूवी में हमें नजर आता है अक्षय कुमार, भूमि पडनेकर और इसे डायरेक्ट किया है आनंद एल राय सर ने, जिनकी मूवीज देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक रहता हूँ भाई। उनकी मूवी कुछ अलग हटके ही रहती है। फिर मूवी की कहानी सिंपल सी है कि चांदनी चौक में रहते लाला उर्फ केदारनाथ, ये अपने मरती हुई माँ को ये वचन देते कि जब तक इनकी चारों बहनों की शादी नहीं होगी ये खुद घोड़ी नहीं चढ़ेंगे। लेकिन लाला खुद अपने मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की को प्यार करता है, लेकिन अब ऐसे में लाला के साथ क्या कुछ होता है और उनकी बहनों की शादी होती है या नहीं या होने के बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी रक्षाबंधन। इस पर्टिकुलर मूवी को तो भाई मेरा मन करता है कि स्टैंडिंग ओवेशन देने का, और एक्सपेक्ट मैंने ऐसा किया भी और वो आप लोग भी करोगे जब आप लोग रक्षाबंधन मूवी को देखोगे। पहले तो भाई इस पर्टिकुलर मूवी को मैं देखने ही नहीं वाला था क्योंकि मुझे ऐसी मूवीज पसंद नहीं आती, लेकिन रिव्यू करने के लिए जब मैंने इस पर्टिकुलर मूवी को देखा, यकीन मानो इट्स अ ट्रीट टू वॉच। पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दहेज को लेकर, वो अब तक किसी भी प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पर आनंद एल राय ने प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी दे दिया। और यकीन मानो अगर हमारे हिंदुस्तान में इस सोल्यूशन पे लोगों ने अमल करना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो हिस्ट्री बन के रह जाएगा कि हमारे इंडिया में भी कभी दहेज लिया करते थे, वो थे में हो जाएगा, है नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा कि इस मूवी को देखो और इस मूवी में जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया वो सोल्यूशन समझो। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो सबको काफी रियल रखा। अक्षय कुमार तो भाई दिल्ली में ही रहते थे, चांदनी चौक में ही रहते थे, तो उनको पता है कि भाई वहाँ के लोग किस तरह से बात करते हैं। तो वो जो मैनरिज्म अक्षय कुमार ने यहाँ पर कैच किया है ना भाई, और जो प्ले किया है, वाह यार, एक सेकंड के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग अक्षय कुमार को देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई आप लोग लाला उर्फ केदारनाथ को देख रहे हो। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, जो आर्ट डायरेक्शन है भाई, जिस तरह से उन्होंने चांदनी चौक को यहाँ पर क्रिएट किया है, ऐसा लगता है कि आप लोग रियल चांदनी चौक को देख रहे हो, जबकि ये पूरा का पूरा स्टूडियो है। और जितने भी साइड कलाकार है भाई, इतनी मतलब एफर्ट्स डाली यहाँ पर मेकर्स ने कि मतलब आप लोग एक सेकंड के लिए भी मूवी से अपनी नज़र हटा ही नहीं सकते हो। मूवी में अगर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई पूरी मूवी अक्षय कुमार के कंधों पर है, और उन्होंने क्या कमाल का काम किया है। कॉमेडी बढ़िया, इमोशंस तो भाई आपका दिल टूट जाएगा, मतलब अक्षय कुमार जब जब स्क्रीन पर होता है। तो सपोर्टिंग एक्टर्स सब लोग ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से किया, एंड मूवी का डायरेक्शन की क्या बात करूँ भाई, आनंद एल राय को तो भाई 7 तोपों की सलामी, गजब की मूवी बनाई। और ऐसी मूवीज और बनती रहनी चाहिए ताकि लोगों तक अच्छा मैसेज जा सके। बट मूवी की मुझे एक नेगेटिविटी लगी, वो तो इसके सॉन्ग्स, ऐसी मूवी में बहुत ज़्यादा स्कोप होते हैं अच्छे अच्छे मेलोडियस सॉन्ग डालने के, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं म्यूजिक के मामले में मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। तो ओवरऑल रक्षाबंधन डेफिनेटली सबको जाके देखनी चाहिए, एंड मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। तो यार बस अब हम लोग बात करेंगे लाल सिंह चड्ढा मूवी की, जिसकी ओवरऑल लेंथ 2 hours 44 minutes की है, और ये एक हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप का एडेप्टेशन है। सबसे पहली बात तो भाई यहाँ पर अतुल कुलकर्णी, जो कि लाल सिंह चड्ढा की राइटर है, उनकी मैं तारीफ करूंगा क्योंकि फॉरेस्ट गंप ऐसी मास्टरपीस मूवी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इतनी टफ मूवी को हिंदी एडेप्टेशन करना और हमारे इंडिया के हिसाब से चीज़ों को रिक्रिएट करना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जिस तरीके से लिखा है इस पूरी मूवी को, मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन मूवी में बहुत सारी खामियां भी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मूवी की कहानी बता दूं कि लाल सिंह चड्ढा जो कि एक स्पेशल बच्चा है, यानी कि ये IQ लेवल कम है लेकिन है बहुत जीनियस, लाल की माँ को ऐसा लगता है कि यार इसका बच्चा अभी नॉर्मल है, तो इसलिए वो हमेशा अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती है हमेशा, जो कि बहुत सारी माँ हमेशा ऐसा करती भी है। इसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है लाल सिंह के साथ, ये सब आपको उसकी ही जुबानी सुनना है तो जाके मूवी देखना पड़ेगा। मैं इस मूवी के लेके चीज़ बोलूँगा कि ये सबके लिए नहीं है, ये उन ऑडियंस के लिए जिनको बिना बोले बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। इस मूवी में भी बहुत सारी ऐसी बात है जिसको लोग गलत वे में ले सकते हैं, जैसे कि टेररिस्ट वाले एंगल को। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि सबका अपना अपना नज़र है तो हर चीज़ को देखने का, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग जो टेररिस्ट वाला एंगल इस मूवी में बताया उसको आप लोग पूरी तरह से गलत बोल रहे हो, जो आपकी सोच है बिल्कुल सही है, यहाँ पर मेरे को उसको इस तरह से नहीं बताना चाहिए उस एंगल को, बट ठीक है चलता है। मैं इतना कहूँगा कि 72 हुरे बेगुनाह लोगों को मार कर नहीं मिलती है, हाँ 72 सलिए तुम्हारे गांड में ज़रूर जाएंगे जब तुम लोग जहन्नुम में जाएंगे अगर इस तरीके की हरकत करते हैं वो टेररिस्ट लोग। मैं क्या बोलूँ यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ।
मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, मतलब इतने हम लोग उत्सुक रहते कि यार अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा, जबकि मैंने फॉरेस्ट गंप मूवी देखी, लेकिन फिर भी वो लोग ने इतना यहाँ पर चीजों को डिफरेंस वे में प्रेजेंट किया कि हम लोग खुद एक्साइटेड रहते हैं कि भाई अब होगा क्या। लेकिन सेकेंड हाफ आते आते मूवी काफी ओवर स्ट्रेच हो जाती है, बोर होने लगती है और आप लोग ये सोचते हो कि भाई अब इसका क्लाइमेक्स कब आएगा, और क्लाइमेक्स आने के बाद एक अच्छी सी स्माइल आपके फेस पे आती है क्योंकि सारी चीजें बढ़िया हो गई लाल सिंह चड्ढा की लाइफ में। और नागा चैतन्य ने अपने एक्सटेंडेड कैमियो में बहुत ही गजब का काम किया, उनका जो एक्सेंट था वो साउथ इंडिया से तो उनका एक्सेंट भी हमको समझ में आता है और वो अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत ज़्यादा कॉमिक परफॉर्मेंस किए। करीना कपूर का काम मुझे अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर आमिर खान की बात को तो आमिर खान ने कुछ कुछ जगह पे बहुत गजब के परफॉर्मेंस के, कुछ कुछ जगह पे यहाँ पर ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे थे। उसके अलावा मूवी में हमें रूपा का भी एक अलग प्लॉट देखने को मिलता है जो कि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसके बाद उस प्लॉट को भी इतना घसीटने की क्या जरूरत है, अगर उस प्लॉट को वो कट टू कट रखते, क्योंकि कहानी लाल सिंह चड्ढा पे थी। यहाँ मूवी का म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एक अलग ही दुनिया में आपको लेके चले जाता है। ओवरऑल लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की वो मास्टरपीस मूवी नहीं है जो एज अ फैन वी आर एक्सपेक्टिंग। जैसा लगता है कि अगर सेकेंड हाफ को थोड़ा बहुत एडिट करें, और वो जो एक बहुत बड़ा सा डिस्क्लेमर था स्टार्टिंग में 10 मिनट कम से कम वो लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, फिर उसके बाद इसको थैंक्स उसको थैंक्स ये करते करते कम से कम 10 मिनट जो लोगों ने वहाँ पर वेस्ट किया वो एडिट करो उसको, और मूवी के सेकेंड हाफ में चीज़ों को एडिट करो, तो मे बी ये मूवी वाकई में देखने लायक हो सकती है दोबारा ऑडियंस के लिए, वरना वन टाइम वॉच इट्स जस्ट इनफ। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 8 out of 10। मजहब अगर आपके दिमाग पर चढ़ जाए तो वो एक बीमारी बन जाता है, ये मैसेज मुझे इस मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।